डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे कोरोना के इस दौर में, और परिवार के साथ आप खुश रहें, यही मंगल कामनाएं करता हूँ। चलिए आज बात करते हैं कुछ और बेसिक जो कंसेप्ट है उनकी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे वेल्थ क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ओनली तीन पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो दैट कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और कम समय में आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले अगर हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ का जनरल जो मतलब निकलता है, हम जब भी वेल्थ के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि किसी के पास कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी है, तो वही आपका जनरली जो है वेल्थ होता है। और जब इस प्रॉपर्टी का हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं या मनी वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम जो है वेल्थ बोलते हैं। तो इन जनरल वेल्थ मीन्स मनी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल, इट मे बी और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स ओन्ड बाय ए पर्सन, अ कम्युनिटी, अ कंपनी और अ नेशन मे बी द वेल्थ। वेल्थ इज डिटरमाइंड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिजिकल और इंटेंजिबल असेट्स माइनस ऑल डेट्स और लोन। जितना आपका टोटल फिजिकल और इंटेंजिबल असेट्स है उनमें से आपका जो लोन कितना है, दूसरों को कितना देना है वो निकाल देंगे तो आपका वो वेल्थ आपको पता चल जाएगा कि कितना वेल्थ है किसी के पास। वेल्थ सिंपली एक्युमुलेशन ऑफ वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हम कह सकते हैं, जिसको हम रुपये में मापते हैं। द एक्युमुलेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू, जिनको हम करेंसी के रूप में मेजर करते हैं। बट जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में तो हम बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन और मीनिंग की बात करते हैं। इन इकोनॉमिक्स वेल्थ इज एनीथिंग विच हैज वैल्यू। इकोनॉमिक्स में हम कोई भी ऐसा चीज हो जो वैल्यू रखता हो उसको हम वेल्थ जो है कंसिडर करते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि इकोनॉमिक्स में वैल्यू का मतलब वैल्यू इन एक्सचेंज होता है रदर देन वैल्यू इन यूज। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ये बात कि जब भी हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे कि वैल्यू किसी कमोडिटीज का वैल्यू है या नहीं, तो हम किस रेस्पेक्ट या रेफरेंस में बात करेंगे, वैल्यू इन एक्सचेंज। तो इकोनॉमिक्स में जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो एनीथिंग विच हैज वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज विच हैज इकोनॉमिक वैल्यू, विच हैज वैल्यू इन एक्सचेंज। और ये बात भी हम जानते हैं कि वैल्यू इन एक्सचेंज जो है केवल इकोनॉमिक गुड्स का ही होता है, फ्री गुड्स का कोई वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं होता है। बात किया था ना अपने लास्ट वीडियोज में कि वैल्यू इन यूज जो है पानी का हो सकता है, हवा का हो सकता है, लेकिन हम इसको एक्सचेंज में कुछ चीज़ों को एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो बहुत ही आसान शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि वेल्थ मीन्स इकोनॉमिक गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स विच हैव वैल्यू इन एक्सचेंज। और अगर हम बात करें कि वेल्थ के और क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई वेल्थ वो गुड्स या वो इकोनॉमिक गुड्स होगी जो यूटिलिटी रखता है और जो स्केर्स इन नेचर है, जिसका डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, और वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, मतलब बाय द बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस वी कैन चेंज द ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है। तो उसको हम बेच सकें, ऐसा नहीं कि हम बेच ही ना सकें, तो उसको हम गुड्स जो है नहीं बोलेंगे अगर हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते तो। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेल्थ इज वेदर इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल टू पर्सन, तो दिस इज
एक्सटर्नल टू पर्सन। वेल्थ जो इंसान के बाहर की चीज होती है ना कि अंदर की चीज होती है, कोई भी इकोनॉमिक गुड्स उठा लीजिए वो उसके बाहर की चीज ही होगी और इकोनॉमिक गुड्स ही वेल्थ होता है। ठीक है, तो वेल्थ के यहाँ पे हमने चार इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक डिस्कस किए, यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नल टू पर्सन। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी का हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, और यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई कोई भी गुड्स को जो हम कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या मिलता है, हमको कुछ एनर्जी मिलता है, कुछ हमारी जरूरत पूरी होती है, मीन्स हमारी नीड पूरी होती है। यूटिलिटी इज व्हाट, यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी। इसको मैं से बोल सकते हैं यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए गुड विच कैन सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट, इंसान की जरूरत को पूरा करने का जो किसी वस्तु का दम और क्षमता है उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी में भी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। यस, यूटिलिटी को हम कई बार सेटिस्फेक्शन के समानार्थी शब्द भी मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हम इसको एक्सचेंजिबली यूज कर लेते हैं कई बार। तो क्या है ये यूटिलिटी, द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ए कम्युनिटी और सर्विस एट ए पार्टिकुलर टाइम। सो काइंड ऑफ फॉर्म और काइंड ऑफ यूटिलिटी और फॉर्म ऑफ यूटिलिटी जो है क्या होता है, ये हमने जब हमने ऑनलाइन क्लास कर रहे थे तब आपसे डिस्कस किए थे कि फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, टाइम यूटिलिटी क्या होता है। जब हम किसी गुड्स को प्रोसेसिंग करके उसका आकार बदल दे, उसकी साइज बदल दे, उसको हम कंज्यूमेबल बना दे या कोई और वैल्यूएशन कर दे जिससे कि उसका फॉर्म चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। सपोज दैट पेडीज को हमने प्रोसेस करके उससे हमने राइस निकाल लिया, तो जो पेडी का वैल्यू था उसके अपेक्षा राइस का वैल्यू अभी बढ़ गया, मतलब उसके फॉर्म चेंज होने से उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब आप कई बार देखते हैं कि किसी पार्टिकुलर प्लेस पे होने से भी किसी कम्युनिटी का वैल्यू घटता और बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन कि जिसे पर्टिकुलर एरिया में किसी कम्युनिटी का प्रोडक्शन हो रहा है और एक एरिया में उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो जहां पे उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वहां पे लोग उसको ज्यादा खरीदना चाहेंगे या उसके लिए उनके लिए उनकी यूटिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू बंपर प्रोडक्शन एरिया, वहां पे उसकी यूटिलिटी कम होगी। तो ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है हम किसी कम्युनिटी को डेफिशिएंट एरिया में जो है भेजते हैं फ्रॉम द जहां पे उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। और टाइम यूटिलिटी, आप ये भी एक समय की वजह से भी जो उसकी यूटिलिटी में इंक्रीज होता है उसको भी जो है हम टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कोई भी क्रॉप जो है पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस होती है लेकिन हम उसको ऑफ सीजन में भी एंजॉय करते हैं बिकॉज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। तो बहुत सारी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को हम जो है एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करते हैं लेकिन उसको हम दूसरे सीजन में या ऑफ सीजन में भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं, एंड दिस इज पॉसिबल बाय द स्टोरेज। सो स्टोरेज क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। एंड वन लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यूटिलिटी इज पोजिशन यूटिलिटी। कोई कम्युनिटी किस इंसान के पास है या किस स्टॉक होल्डर के पास है, किस प्लेयर के पास है, उससे भी उसका यूटिलिटी घटता बढ़ता है या उसका यूटिलिटी डिफर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लैंड एरिया ही है, अगर वो किसान के पास है तो उसका वैल्यू
अलग होगा। और अगर वही लैंड एरिया किसी बिल्डर के पास है, किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास है या रियल इस्टेट प्लेयर के पास है, तो डेफिनेटली इसका यूटिलिटी डिफरेंट होगा। उसके अलावा एग्जाम्पल हम ऐसा भी ले सकते हैं कि जैसे फूड ही है, फूड एक तो उस इंसान के पास हो जिसके पास ऑलरेडी हो, जिसके पास ऑलरेडी उसकी ज़रूरत नहीं है या वो ऑलरेडी उसका पेट भरा हुआ है, और दूसरी साइड में ऐसे इंसान के पास जिसको भूख लगी बहुत ज़्यादा, उसके पास खाना हो, तो कहाँ पे वैल्यू होगी, किसकी ज़्यादा होगी, आप लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग क्रिएट्स द पोजीशन यूटिलिटी, किसके पास है ये कौन डिसाइड करता है, बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द ओनरशिप एक्सचेंज। किसी को हमने खरीद लिया, अब हमारी हो गई वो, तो हमारे लिए उसकी अलग यूटिलिटी है। और एक टॉपिक है मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज जितने भी चैप्टर्स आएंगे, जितने भी इसके आएंगे, उसमें हम इन्हीं का बार बार जिक्र करेंगे। तो इसमें तीन टर्म्स है, इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी तो इसके नाम से पता चल रहा है कि जैसे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी हम कंज्यूम किए, या इनिशियल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी हम कंज्यूम किए, तो उससे जो यूटिलिटी हम ड्राइव करेंगे उसको बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। जैसे पास सपोज दैट हमारे पास 5 एप्पल है, हमने पहला एप्पल खाया और उसे खाने से जो हमको संतुष्टि मिली या जो सेटिस्फेक्शन मिला या जो यूटिलिटी मिला, वो होगा हमारा इनिशियल यूटिलिटी। और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आप भी जानते हैं, क्योंकि जब आपको भूख लग रही है और आपको एक एप्पल देते हैं तो हमेशा ये आपको मजा ही देगी, ये आपको कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी आपके लिए ये बुरी नहीं होगी, वी कैन से। दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल मीन्स एडिशनल, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी। कि जैसे आपने एक एक एप्पल खाया, अब उसके अलावा हम एक और एप्पल खाएंगे, तो जो हम एक और एप्पल खा रहे हैं इससे हमको कितना यूटिलिटी मिल रहा है, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। आप इसका लैंग्वेज देख सकते हैं, इट इज एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। हमने एक पहले खाया था और हमने एक और खाया, तो इसकी एक जो और खाया उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीज हुआ है उसी को आप मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हो। और ये क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय या ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए हम बेसिकली जो है अभी पूरा कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी पढ़ रहे हैं, कि कंज्यूमर कैसे मार्केट में बिहेव करता है, कैसे सोचता है, कैसे परचेस करता है, कैसे डिसीजन मेकिंग करता है, कि किस कमोडिटी खरीदना है, किसको नहीं खरीदना है, किसमें फायदा होगा, किसमें घाटा होगा। तो एक जो रेशनल कंज्यूमर होता है, हम सब जानते हैं कि वो कभी घाटे का सौदा नहीं करेगा, वो एक फायदे का सौदा ही करेगा। तो अब हम जानते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कुछ नहीं होती माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जो आपका कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, किससे, फ्रॉम द गिवन बजट, उसके पास जो बजट है उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ सिचुएशन वेयर इन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ लिमिटेड इनकम, ही हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। मतलब वो पैसा ऐसी जगह खर्च करेगा जहां पे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, तो वही जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है जहां से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको चेंज नहीं पसंद करना उसको चेंज करना पसंद नहीं करेगा वो। तो ये क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब हम अचीव कर सकते हैं, जब द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट विच कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन विद हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम। वो जो उसके पास जितनी इनकम है उससे उतनी चीजें खरीदे जहां पे उसको सबसे ज्यादा फायदा हो, सबसे ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले, तो उसको बोले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको हम जब नेक्स्ट क्लासेस में डिफरेंट लॉज और डिफरेंट
इसका कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, तब हम आपको इसका डिटेल में बताएंगे ग्राफ के द्वारा कि किस तरह से जो है इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। ये बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर अ कंज्यूमर गेट्स और सिक्योर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द मिनिमम और गिवन बजट, दैट्स ऑल। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हम फिर नेक्स्ट इसका पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम कॉन्सेप्ट का और बेसिक टर्म्स का एक छोटा छोटा वीडियो लेके आएंगे, सो दैट कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाने से पहले हमको उसका कॉन्सेप्ट पता हो, और जब कॉन्सेप्ट हम उस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करें तो हमको बोरियत ना हो और हमको कन्फ्यूजन नहीं हो और बुरा ना लगे। सो थैंक यू, स्टे हियर।